लग रहा है आईपीएल का सट्टा, बंदरों से नागरिक परेशान, एक की मौत, कई घायल। सोनाक्षी ने कहा पहले ही बीजेपी को छोड़ देना चाहिए था। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी मोबाइल का जरिया गली गली में लग रहा है सट्टा। आईपीएल 2020 क्रिकेट का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। हर उम्र के लोग इसे देखने को बेताब रहते हैं, लेकिन सभी क्रिकेट प्रेमी नहीं, तमाम ऐसे हैं जिन्होंने इस खेल को कमाई का जरिया बना लिया है। हर बार की तरह आईपीएल के सीजन में जमकर सट्टा लग रहा है। हर रोज बनारस से करोड़ों का न्यारा न्यारा हो जा रहा है। गली मोहल्ले में लोग आपसी तालमेल पर सट्टा लगा रहे हैं, तो वहीं पेशवर भी नए नए तरीके से इरादा कर काली कमाई के खेल में रमे हुए हैं। पुलिस इस पर लगाम लगाने की कोशिश में लगी है, लेकिन सट्टेबाजी की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं है। ऐप से लगा रहे हैं सट्टा। मोबाइल ऐप से रुपए लगाने का चलन खूब हो रहा है। इस ऐप से टॉस जीतकर हार, सेशन, चौका, छक्का, प्लेयर्स के कैच छोड़ने तक, पकड़ने तक सट्टा लग रहा है। देश भर में सट्टा क्या कारोबार बड़े तेजी से हो रहा है। घर के बाहर हो या अंदर, आतंक बने बंदर, बंदरों ने ले ली जान। बरेली बंदरों के हमले में छत से गिरकर नगर निगम के बाबू की मौत हो गई। बाद में शहर में लोग डरे। समय से लोगों का कहना है कि घर के बाहर हो या अंदर, सब जब जगह पर आतंकी बंदरों का है। इसके चलते बच्चों में भी काफी डर का माहौल है। आए दिन किसी किसी पर हमला कर रहे हैं। अस्पताल में रोज बंदरों का पकड़ने के लिए लोग कई बार नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम ने अब तक और कोई कदम नहीं उठाया है। निगम 3 सालों से बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाल रहा है। अब तक के 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले पर बोली सोनाक्षी, बहुत पहले ही करना चाहिए था ये काम। सोनाक्षी ने कहा कि बीजेपी को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शामिल होना उनकी पसंद है और उन्हें विश्वास है कि अनुभवी अभिनेता पार्टी के साथ अच्छा काम करेंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।